आएगा इस बाद में बॉल देख रहे हैं आप तो मैं आपके साथ में आई शुरू नहीं हुआ और उससे पहले खिलाड़ियों ने लीग को छोड़ना शुरू कर दिया है सबसे पहला नाम बना है जेसन रॉय का जो गुजरात टाइटन्स टीम में थे जिनको दो करोड़ रुपए में गुजरात की टीम ने खरीदा था तेरह आई पी मैचेस खेल चुके हैं और सनराइजर्स हैदराबाद में रहे दिल्ली कैपिटल्स में रहे गुजरात लाइन्स में रहे जब गुजरात की टीम लाइन्स हुआ करती थी एक समय में उन्होंने ये कारण दिया है कि मैं बायो बबल फटीक के कारण ये टूर्नामेंट नहीं खेलूँगा क्योंकि जो ये टूर्नामेंट है ये शुरू होगा 26 मार्च को और ख़त्म होगा 29 मई को यानी कि 26 मार्च से ले 26 अप्रैल एक महीना और 26 अप्रैल से ले 26 मई दो महीना आप लगभग लगभग दो महीने तीन दिन मान लीजिए और इतना लंबा जो सफ़र होगा आईपीएल का वो झेल नहीं पाएंगे बायो बबल फटीक होगा सबको पता है कि भारत में कोविड के समय में जो मैचेस होते हैं वो सब बायो बबल में होते हैं और पिछले साल बायो बबल ब्रेक भी हुआ था तो गुजरात टाइटन्स को अब एक नया खिलाड़ी लाना पड़ेगा और जेसन रॉय का इतना लंबा करियर नहीं था आखिरी बार वो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से दिखे थे ओपनिंग बल्लेबाज़ हैं और विस्फोटक बल्लेबाज़ आप कह सकते हैं उनको लेकिन इस वक्त जेसन रॉय ने मना करा है जेसन रॉय ने कहा है कि वो नहीं खेल पाएंगे इंडियन प्रीमियर लीग बायो बबुल फटीक के चलते और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी प्लेयर ने बायो बबुल फटीक के कारण छोड़ो कई प्लेयर पिछले साल भी छोड़ के गए थे और अभी तो बस शुरुआत है आप देखते चाहिए क्योंकि आईपीएल पी इस बार सत्तर से ज़्यादा मैचेस होने हैं महाराष्ट्र में पूरे मैचेस होने मुंबई और पुणे में और अगर ऐसे में खिलाड़ी छोड़ते जाएंगे तो शायद टीमों के लिए बड़ा झटका लगेगा क्योंकि एक फॉर्मेट तैयार होता है प्लेयर्स के लिए और एक रणनीति तैयार होती है तो जेसन रॉय इस रणनीति से बाहर हो गए हैं गुजरात टाइटन्स टीम्स की तरफ बिके थे वो दो करोड़ रुपए में लेकिन अब ना राशि मिलेगी ना मैच खेलने को मिलेगा बाय बबल से बच के घर पे बैठेंगे तो फिलहाल वीडियो में रहें नमस्कार